बदायूं की दातागंज विधानसभा में विधायक राजीव कुमार सिंह ने क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया। इस महासभा में दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने भी शिरकत की, साथ ही महासभा का आयोजन करके अपना सजातीय वर्चस्व का संदेश भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें, दातागंज विधानसभा में हुए 3,000 करोड़ के कार्यों को भी गिनवाया। आप सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से, पसीना बहाकर, कर्मठता से एक एक वोट दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे विधायक बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और वो सब आप ही लोगों की मेहनत थी, आप ही लोगों का जज्बा था, आप ही लोगों का उत्साह था कि बहुत दिनों से दातागंज में एक परिवर्तन की जो तो आप लोगों ने पूरा करने का काम किया। बलिया में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं इस मामले में पीड़ितों ने पुलिस पर पैसा लेकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। तो बलिया का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें जमीनी विवाद में मारपीट हो गई है कुछ लोगों में, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर इन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। तो बलिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर जमीनी विवाद में कुछ लोगों में आपस में ही मारपीट हो गई। सिर फट गया है, टंग पूरा टंकर लग गया है सिर फट कर। मेरे पिताजी आ रहे थे तो मेरे पिताजी को मार के उधर ही गिरा दिया। तो हम गए तो हमारे पास 13-14 आदमी मिल के हमको सुता दिए। हम लोग थाने गए थे, एक मेरा छोटा भाई के, मेरा 16 साल का है, दिया उस पार्टी को चलाना किया। गुंडा राज को खत्म करने के लिए जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अभियान चला रहे हैं, तो वहीं बलरामपुर जनपद में पुलिस भी सक्रिय मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में बलरामपुर जनपद के उतरौला थाने और कुशीनगर जनपद के हाटा थाने में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों का पुलिस ने महीने भर के अंदर गिरफ्तार करके चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। वहीं पकड़े गए चोर अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य हैं, जो कि पड़ोसी जनपद गोंडा के निवासी बताए जा रहे हैं। इन्होंने 17 नवंबर को बलरामपुर के उतरौला में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही 13 दिसंबर को कुशीनगर के हाटा थाने में मोटरसाइकिल की डिक्की से 3 लाख रुपए भी चुराए थे। वहीं पुलिस ने चोरों को पकड़कर उनके पास से 2 तमंचे समेत हथियार भी बरामद किए हैं। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के शिकंजे में चोर गिरोह आ चुका है। उतरौला में एक आभूषण की दुकान से चोरी हुई थी। उक्त संबंध में हमारी पुलिस जांच और अन्य कार्रवाइयां कर रही थी। इसी बीच कुशीनगर में भी 13 दिसंबर को एक घटना हुई, जिसमें 3 लाख रुपए डिग्गी तोड़कर चुराए गए थे। हमारी पुलिस ने जब जांच और विवेचना करी तो इसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनकी गिरफ्तारी कल शाम को हुई है। और उक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा उतरौला और कुशीनगर घटना है, दोनों को करना स्वीकार किया है।